नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 के जितने भी प्रतिभागी हैं, चाहे आप किसी कारण से इस बार इस शो से चूक हो चुके हैं, यानी कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, या फिर अगर आप केबीसी के दर्शक भी हैं, तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि घर बैठे इस शो से जो है आप भी अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि केबीसी में पार्टिसिपेट करके आपको करना कुछ नहीं है, घर बैठे आप जवाब दीजिए और अगर आपका नंबर वहाँ पर लगता है, यानी कि आप वहाँ पर सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, तो आप भी वहाँ से रकम जीत सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि अगर आप केबीसी के प्रतिभागी होंगे तो आपको इतना ज़रूर पता होगा कि सोनी लिव ऐप पे जो है केबीसी प्ले अलोंग करके एक टैब वहां पे दिख रहा है। सोनी लिव ऐप जब आप ओपन करेंगे तो केबीसी प्ले अलोंग जो है वो इस सीजन में आपको खेलने को वहां पे मिल जाएगा। लेकिन एक बात और आप समझ लीजिए कि चाहे आप केबीसी के प्रतिभागी हैं या फिर केबीसी के आप दर्शक हैं, अगर आप केबीसी प्ले अलोंग को खेलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वहां पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आप जैसे ही सोनी लिव ऐप को ओपन करेंगे तो वहाँ पे केबीसी प्ले अलोंग करके एक टैब दिखेगा, यानी कि पोस्टर लगा हुआ रहेगा और वहाँ पे रजिस्टर्ड का आपको ऑप्शन मिल जाता है। रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे जाके आप क्लिक कीजिए। अगर आप केबीसी के प्रतिभागी हैं और इस सीजन में आप पार्टिसिपेट किए हुए हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, तो आपको वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ डाटा आपसे वहाँ पर डिमांड किया जाएगा, वो डाटा सिर्फ आपको डाल देना है। और इस तरीके से आज से ही रात्रि 9 बजे जब ये शो का प्रसारण स्टार्ट होगा, उसके बाद आप देखिए, यानी कि 9 बजे जब शो का प्रसारण स्टार्ट होगा तो 9 से 10 सोनी टीवी से प्रसारित किया जाएगा। इसका मतलब साफ हो जाता है कि सोनी लिव ऐप पे इसका फुल एपिसोड जो है 10 बजे के बाद ही अपलोड किया जाएगा। लेकिन रही बात केबीसी प्ले अलोंग की, यानी कि जो क्वेश्चन यहां पे दर्शक के लिए दिया जाएगा, यानी कि सोनी लिव ऐप यूजर्स के लिए जो पूछा जाएगा, सवाल जो दिया जाएगा, अब बात आती है कि वो सवाल कितना बजे अपलोड होगा। तो चूंकि जाहिर सी बात है, आज ही आप रात को जाकर देखिएगा, चेक कर लीजिएगा कि कितना बजे वहां पे सवाल डिमांड कर दिया जाता है। लेकिन सवाल डिमांड करने से पहले आपको वहां पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये पर डे आपको वहां पे सवाल मिल जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं कि एक दिन मिलेगा, हर दिन, यानी कि जब जब केबीसी का एपिसोड अपलोड किया जाएगा। और जैसा कि अगर आप केबीसी के दर्शक हैं या फिर केबीसी के आप प्रतिभागी हैं, तो हम आपको बता दें कि सप्ताह में ये जो केबीसी का शो है वो 5 दिन प्रसारित किया जाता है, यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार, शनिवार और रविवार इसका प्रसारण नहीं होता है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि आप सप्ताह में 5 दिन जो है केबीसी प्ले अलोंग आप खेल सकते हैं, यानी कि उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप वहां पे जो जीके पूछा जाएगा उसका सही जो जवाब है वो देकर आप वहां पे जीत सकते हैं। अब यहां पे 2 पॉइंट आता है। 2 पॉइंट क्या आता है, अगर आप केबीसी के दर्शक हैं तो ये बार बार आप वहां पे देखते होंगे, या फिर अगर आप केबीसी के प्रतिभागी हैं तो सबसे बड़ा आज के डेट में कन्फ्यूजन केबीसी प्ले अलोंग को लेकर बैठा हुआ है। और वो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है कि काफ़ी सारे दर्शक जो है ये आज के डेट में समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर केबीसी प्ले अलोंग किसके लिए है, यानी कि उसके लिए हैं जो सोनी लिव ऐप के सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं या फिर वैसे हैं जो सोनी लिव ऐप पे फ्री में देखते हैं। ये दोनों बात सबसे पहले बड़ा ही यहाँ पे जरूरी हो जाता है। काफ़ी सारे दर्शक जो है जिनके दिमाग में ये फिक्स हो गया है कि नहीं, केबीसी प्ले अलोंग जो है इसमें वही प्रतिभागी या फिर वही दर्शक पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो सोनी लिव ऐप पे सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, यानी कि सोनी लिव ऐप पे पेमेंट डाले हुए हैं और पेमेंट डाल के वो किसी भी एपिसोड को वहाँ पर देखते हैं। तो अगर ये आपके माइंड में इस तरीके का सवाल है तो सबसे पहले हम इस सवाल को दूर कर दें, इस कन्फ्यूजन को दूर कर दें कि यहाँ पर बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि आप सोनी लिव ऐप के सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, आप वहां पे चार्ज पे करते हैं तभी आप केबीसी प्ले अलोंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोनी लिव ऐप के सब्सक्राइबर हैं या फिर नॉन सब्सक्राइबर है, दोनों में कोई भी है, अगर आप पेमेंट डालते हैं तो भी या फिर पेमेंट नहीं डालते हैं तो भी, इसका मतलब साफ हो जाता है कि सीधा सीधी फ्री में आप जाके सोनी लिव ऐप पे जो है प्रतिदिन जब जब वहां पे सवाल पूछा जाएगा सोनी टीवी चैनल से, तब तब उस सवाल को जो है सोनी लिव ऐप पे आपको डाल दिया जाएगा और वहां पे जाके उसका जवाब आपको सबमिट कर देना है। इसका मतलब है कि वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 पॉइंट यहां पे आता है। 2 पॉइंट क्या आता है कि जो दर्शक सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं उसका रकम जो है हो सकता है वहां पे ज्यादा होगा, क्योंकि जो रूल और रेगुलेशन के आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि जो सब्सक्रिप्शन लिए हुए प्रतिभागी होंगे केबीसी प्ले अलोंग वाले टैब पे जब आप ओपन करेंगे, रजिस्टर्ड जब आप हो जाएंगे और उस पर आप क्लिक करेंगे, अभी जब क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है उसके पहले की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए वहाँ पे डिमांड किया जाएगा। इसका मतलब साफ हो जाता है कि जो दर्शक सब्सक्रिप्शन लेंगे वहाँ पे रकम जो है वो ज़्यादा का होगा, लेकिन जो नॉन सब्सक्रिप्शन होंगे, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन लिए हुए नहीं रहेंगे, जो पेमेंट नहीं डालेंगे, उनका
जो वहाँ पे रकम होगा, यानी कि सवाल अगर जवाब आप देते हैं, चयनित कर लिए जाते हैं, तो वो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। दो पॉइंट एक और यहाँ पे हम आपका दूर कर दें। जो सब्सक्राइबर है सोनीलिप ऐप के, जो सब्सक्रिप्शन लिए हुए यानी कि पेमेंट जो डाल रहे हैं, तो प्रतिदिन 10 लाख का वहाँ पर लकी ड्रॉ निकलने वाला है, ये आप समझ लीजिए। अगर आप सोनीलिप ऐप को पेमेंट किए हुए हैं, चाहे आप 3 महीना का कीजिए, 1 महीना का कीजिए, या फिर साल भर का कीजिए, जितना दिन का भी, सीधा सीधी मतलब हो जाता है कि अगर आप सोनीलिप के सब्सक्रिप्शन यूजर्स हैं, तो आप यहां पे समझ लीजिए कि प्रतिदिन जो है 100 लकी ड्रॉ वहां पे निकाला जाएगा। इसका मतलब यही है कि 10 लाख प्रतिभागी की जो है वहां पे नहीं, 100 नहीं, 10, यानी कि 10 प्रतिभागी को वहां पे प्रतिदिन चयनित किया जाएगा, जिसमें एक प्रतिभागी को जो है 1 लाख दिया जाएगा। लेकिन शायद जो नॉन सब्सक्राइबर है उनके लिए जो है 1000 ही वहां पे मिलने वाला है, चूंकि 1 लाख का होगा तो 100 प्रतिभागी नॉन सब्सक्राइबर से निकाला जाएगा। लेकिन ये एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, जब सोनीलिप ऐप पे जाके आप ओपन करेंगे, रजिस्टर्ड होंगे, तो वहां पे आपको टोटल उसका डाटा मिल जाएगा। लेकिन आज इस वीडियो में खास हम यही बताने वाले थे कि या तो आप केबीसी के प्रतिभागी हैं, या फिर आप केबीसी के दर्शक हैं और घर बैठे इस शो से आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इससे आप जीतना चाहते हैं, तो केबीसी प्ले अलोंग का टैब सोनीलिप पे आज भी अवेलेबल हो चुका है। आप वहां पे जाइए, रजिस्टर्ड हो जाइए, जो डाटा आपसे डिमांड करता है वो डाटा आप वहां पे डाल दीजिए, और जब डाटा डालेंगे तो प्रतिदिन रात्रि 9 बजे के बाद जो है जाकर आप चेक कीजिएगा सोनीलिप ऐप पे, तो वहां पे स्क्रीन पे है केबीसी प्ले अलोंग का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे क्लिक करके सवाल पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा, उस जीके का जवाब दीजिएगा, आप अपने सही जवाब को वहां पे सबमिट कीजिएगा, और टाइमिंग सिर्फ और सिर्फ आपको 15 सेकंड मिलेगा। ये भी आप यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे पहले अगर आप केबीसी के प्रतिभागी थे तो आपको मालूम हुआ कि रजिस्ट्रेशन में टाइमिंग 24 घंटा मिलता था, लेकिन केबीसी प्ले अलोंग वाले टैब पे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का ही ऑप्शन मिलेगा। इसलिए अगर आप प्रतिभागी हैं और ये सोच रहे हैं कि चलिए 9 बजे क्वेश्चन वहां पे डाल दिया जाएगा और हम 24 घंटा के अंदर जो है किसी भी समय हम उसका जवाब दे देंगे, तो वो अब इस बार नहीं चलने वाला है। केबीसी प्ले अलोंग वाले ऑप्शन पे आप टाइमिंग वहां पे देखिए कि टाइमिंग का हम आपको नहीं बताएंगे, प्रतिदिन सवाल वहां पे पूछा जाएगा, तो टाइमिंग कितना देर के अंदर जो है देना है वो अभी यहां पे टाइमिंग क्लियर नहीं हुआ है। तो आज रात को आप क्या कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा समय वहाँ कितना देर बताया जाता है, कब तक जो है प्रतिभागी को अपना जवाब वहाँ पे सबमिट कर देना है। लेकिन जब जैसे ही आप क्वेश्चन को ओपन करेंगे, प्ले अलोंग वाले ऑप्शन पे जाके आप क्लिक करेंगे, तो आपके स्क्रीन पे ही एक जीके आ जाएगा, और इस जीके का जो जवाब है सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड के अंदर आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसका मतलब साफ हो जाता है कि जैसे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में आप क्वेश्चन को ओपन करते थे और फिर जो है आप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक जो है उस क्वेश्चन को समझते थे, और उसके बाद जो लगता था सही जवाब है वो आप सबमिट करते थे, वो अब इस बार केबीसी प्ले अलोंग में आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब साफ हो जाता है कि केबीसी प्ले अलोंग वाले टैब को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का ऑप्शन मिलेगा, और उसी 15 सेकंड के अंदर जो है आपको अपना जवाब सबमिट कर देना है। तो आप एक बार जाके चेक जरूर कर लीजिएगा सोनीलिप ऐप पे। सबसे पहले तो आपको रजिस्टर्ड ही होना पड़ेगा, अगर आप केबीसी प्ले अलोंग से जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और रजिस्टर्ड होने के बाद आपको वहीं पे नियम और शर्त आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, जो जाके आप वहां पे रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या क्या केबीसी का रूल और रेगुलेशन है। लेकिन इस वीडियो में खास हम यही बताने वाले थे कि घर बैठे भी आप केबीसी से अर्निंग आप कर सकते हैं।